के लिए और पारदर्शिता के लिए ग्यारसपुर तहसीलदार यशवर्धन सिंह के द्वारा आज ग्यारसपुर के माला देवी मंदिर की पहाड़ी से किसानों की खड़ी फसल और परती बड़ी जमीन की फोटो एवं वीडियोग्राफी की गई। तहसीलदार ने बताया कि ग्यारसपुर तहसील में कुल 28,000 हेक्टेयर में रकबा है, जिसमें 25,000 हेक्टेयर में किसानों ने अपनी खरीफ की फसल बोनी की थी, जिसमें से 18,500 हेक्टेयर फसलों को अतिवृष्टि से नुकसान पहुंचा है। किसानों को शासन से जो मुआवजा दिया जाएगा उनके आंकड़े इस प्रकार हैं, जिन किसानों की 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन है उनके लिए 6,800 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से एवं 2 हेक्टेयर से कम वाले किसान को 8,000 प्रति हेक्टेयर की राशि दी जाएगी। ड्रोन कैमरे से ग्राम फुरतला, धुरेरा, उघर, कोटरा एवं ग्यारसपुर में फसलों का सर्वे किया गया है। विदिशा से आशीष सेले की रिपोर्ट। देखिए, ड्रोन से या फोटो जिस तरीके से पटवारी खेत खेत जाके खींच रहा है और जिस तरीके से हम ड्रोन से करा रहे हैं, तो इसका केवल उद्देश्य यह है कि पारदर्शिता रहे। बहुत से किसान ऐसे हैं जिनकी अभी फसल जो है इस बार उन्होंने बोई नहीं, खेत पड़ती पड़े हुए हैं, तो ये रहा है कि इसमें किसानों में संतोष रहे कि जिस तरीके से हमने सर्वे किया है और खेतों का चिन्हांकन किया जा सके कि किस खेत में मतलब कौन सा खेत पड़ती है। हालांकि फसल गिरदावरी हमारी पूर्णतः कंप्लीट है, लेकिन उसके बाद भी केवल पारदर्शिता के लिए है और कोई नहीं। अच्छा, जिससे किसान किसी प्रकार की आपत्ति उठाए तो अपने फोटो देखकर उसका वीडियोग्राफी करके सच उसका जान सके। हाँ, नहीं, किसानों का तो हमेशा उद्देश्य सही रहता है, सकारात्मक रहता है, लेकिन क्योंकि ये चीज़ें हमारे पास एक तरीके से रिकॉर्ड में भी रहेंगी और दूसरी चीज़ वीडियो रहेगा, फोटो रहेंगे, तो ये हमारे लिए भी काफ़ी सुविधाजनक होगा कि आगे चल के किसी तरीके की कोई समस्या आती किसान को तो उसका जायज तरीके से और पूरी तरीके से निराकरण किया जा सके। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को